बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक अगेन टू द इंग्लिश लेसन। आज मेरे बच्चों हमने क्या करना है, हम जो इतने मजे की साउंड डिस्कस कर रहे हैं पिछले दो लेसन्स में, वो कौन सी है? प। और आज इसका है डे थ्री, यानी डे थ्री में आप बिल्कुल रेडी हैं। आज अपने लिए जो आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है इस साउंड की, वो शेयर करेंगे आप मेरे साथ, और मुझे ये भी बताएंगे कि इससे और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने घर पे भी ढूंढी, और जो आपको टास्क दिया था कि इस साउंड को आपने घर से ढूंढ के लेके आना है, उस स्टोरी में कहां कहां पे आपको मिली, कहां कहां पे आपने उसको सर्कल किया। सो टीचर्स, किताब का सफर देख लीजिए, और आज इन्होंने जो टास्क करना है उसके लिए इनको मीडियम दे दें। इन्होंने किससे राइट करना है जी? आपने राइट करना है पेंसिल से। आज आपकी राइटिंग है पेंसिल ट्रेसिंग की। सो टीचर्स, आज तमाम बच्चों को पेंसिल होल्डिंग की स्किल आनी चाहिए, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश द बुक, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द लेटर्स। तो अब यहां तक आते आते सब बच्चों को पेंसिल पकड़नी आनी चाहिए। सो क्या करेंगे टास्क आज हम? आज हम करेंगे कोई टूल प्रॉपरली होल्ड। टीचर्स, क्रेयॉन इज ओनली अ कंडीशन फॉर न्यू एडमिशंस, बाकी तमाम बच्चों को पेंसिल आनी चाहिए पकड़नी, क्योंकि ट्रेसिंग की प्रैक्टिस इन्होंने बहुत दफा की है, एंड नाउ दे आर एबल टू ट्रेस। नाउ व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन चिल्ड्रन? इज द फेस ऑफ द साउंड, यस। एंड हाउ डू वी ड्रॉ द फेस ऑफ द साउंड? ये ड्रॉ कैसे करते हैं हम? जैसे हम अपना फेस ड्रॉ करते हैं ना, राउंड फेस, आईज एंड अ स्माइल। हाउ डू वी ड्रॉ द फेस ऑफ दिस साउंड? First we go down and then we come back up to make a big round face. Down and then a round face. P. P. Good. So abhi P ka jo face aapne dekha aur writing ki practice ki aur library corner se bhi jo aapne baat cheet ki thi, iska matlab hai aap is sound ko khub acche tarike se pehchante hain. राइटिंग की प्रैक्टिस जरा मेरे साथ एक दफा फिर कर लीजिए। अपनी किताब पे आपके ये बड़ा सा प लिखा हुआ है ना, ये वही वाला प है जो आपको बुक पे नजर आ रहा है। सो हाउ एम आई गोइंग टू पुट माय पेंसिल हियर? आई एम गोइंग टू पुट हियर ऑन दिस डॉट, फॉलोइंग द एरो गोइंग डाउन एंड देन स्टॉप एंड देन गोइंग अप अगेन, गोइंग अराउंड एंड मेकिंग द फेस ऑफ द साउंड। टीचर्स, मल्टीपल रिसोर्सेज आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे आपसे ग्रॉस मोटर के लिए पाइप की जो पाइप क्लीनर है उसकी एक्टिविटी या स्ट्रोक एक्टिविटी मैं रिकमेंड करती हूँ। आपने इसमें से किसी भी लेटर के लिए किसी भी एक्टिविटी को स्किप नहीं करना। एवरी एक्टिविटी इज गोइंग टू हेल्प देम अंडरस्टैंड एंड मेक अ बेटर एंड क्लियर पिक्चर फॉर द साउंड इन द हेड्स। सो प्लीज प्रैक्टिस द लेटर फॉर्मेशन on as many mediums as you can before you give them the page of the book. और book के page के ऊपर जितना task दिया गया है pencil से writing के लिए इतना ही काफी है। इससे पहले अगर आपने सेंटर पे भी प लिखवाया है तो वो लिख तो रहे हैं ना, अगर आपने उनको टेबल पे लिखवाया या हवा में लिखवाया है तो वो लिख तो रहे हैं ना। इस एज में राइट नहीं वो करे, they are learning to draw the face, just like they draw their face, they are learning to draw the faces of these sounds, chahe wo urdu hai chahe wo english hai. So marker se, crayon se, chalk se, paint brush se ya pencil se, jahan pe bhi aap likhwa rahe hain, bacche likh rahe hain, wo face ko draw kar rahe hain. So this much is good enough. Kindly do not give them a whole page of writing at one go, that is a torture and that is too much for young ones. So the task here proposed for homework is that when they are writing or tracing on the sound, they should be able to say the vocabulary and utilize different vocabulary words in their speak little short sentences using those vocabulary words. So there's a worksheet, although I give it here in the description box, because so many teachers say that the writing work is less, but it is not less if you're giving them different mediums. Anyways, this worksheet is there in the description box. If you feel like, you can download it. But please do not force a playgroup child to start perfectly writing within four lines if his or her hand is still not fully developed. So the task today is that we are looking forward for them to hold the tool properly. And once the tool is held properly, they will be able to write gradually. So, bachcho, aapne bhi प्लेग्राउंड में जब आप जाएंगे या क्लास में अगर आपसे टीचर कहती हैं तो आपने पैरट की तरह ट्वीट करना है, लाइक जैसे आपका पैरट बोलता है घर में, वो शेयर करना है। टीचर्स, आज हमारी इस साउंड की जो डे थ्री था उसका टास्क हमने कंप्लीट किया है। डे वन लिसनिंग स्पीकिंग, डे टू स्पीकिंग रीडिंग एंड देन डे थ्री इज
रीडिंग एंड राइटिंग एंड वी कंबाइन ऑल दी स्किल्स टुगेदर टू मेक श्योर कि आज का साउंड इन्होंने वोकैबुलरी के साथ साथ ना तो सिर्फ लिखना सीखा है, इसके साथ साथ इस साउंड को पहचानना भी आ गया है, कुछ नए वोकैबुलरी वर्ड्स भी सिर्फ सीखे नहीं हैं, देख के उनको पढ़ना भी आ गया है और फिर उनको वो अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोल भी सकते हैं बिकॉज दिस इज इंग्लिश. एटलीस्ट फॉर वन फ्लैश कार्ड दे शुड बी एबल टू से वन शॉर्ट सेंटेंस. I like popcorn good enough. So please continue with the activities and before the next sound, ensure they know all these lessons properly. Take care and Allah Hafiz.